एवरीवन, मैं हूँ राखी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल LACT राखी रसोई में। आज मैं बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी आलू का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने आलू लिया है, आलू को पहले से मैं बॉईल करके रखी हुई थी, अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद एक फॉर्क के हेल्प से इस तरीके से मैश कर लूँगी। सभी आलू को मैं इस तरीके से दबाते हुए अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पे आलू को ग्रेट कर सकती हैं, ग्रेटर पे जो है अच्छी तरीके से ग्रेट करके आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से फॉर्क से दबाते हुए सभी आलू को मैं तोड़ लूँगी, मैश कर लूँगी। और मैश करने के बाद दिखाती हूँ। आप लोगों ने अभी तक ये हलवा नहीं खाया है आलू का, तो आप लोग ये हलवा जो है किसी भी बर्थ में बनाकर खा सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते हुए मैश कर लिया है। और उसके बाद अब मैं आप लोग को बनाकर दिखाती हूँ बहुत आसान तरीके से। तो आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये बनाकर दिखाते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने गर्म कर लिया है, और ये जो कढ़ाई है मेरी थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करें, थोड़ा हल्का ही गर्म रखें कढ़ाई को। और ये घी देखिए, घी में बनाकर दिखाऊंगी आज मैं। आप लोग चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं यहाँ पे आज देसी घी में बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दो चम्मच, बड़े चम्मच से दो देसी घी डाल के गरम कर लिया है। उसमें डाल दिया है एक चम्मच जीरा। मुझे इस हलवे में जीरा बहुत ही पसंद है, तो मैं एक चम्मच करीब यहाँ पे जीरा डाली हूँ। आप लोग को पसंद नहीं हो तो स्किप कर सकती हैं। और ये देखिए, मैं यहाँ पे सभी आलू मैश करे हुए आलू को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और डालने के बाद जो है अच्छे तरीके से इसको चलाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसको अच्छे तरीके से भून ले घी में। बहुत ही स्वादिष्ट जो है हलवा बनता है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से जो है मेरा हलवा जो है भूनना स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से चलाते हुए इसको लो टू मीडियम फ्लेम 10 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से आलू को भूनती रहूँगी। और इस तरीके से भूनने के बाद जो है हलवा में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए, मैं इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसको मैं भून लूँगी। अब भूनने के बाद जो है अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो चीनी देखिए, अपने हिसाब से ऐड करें। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा चीनी ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, करीब एक कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद जो है चीनी को मेल्ट होने दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी पहले। आप लोग चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर ले, बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ तो मैं इलायची पाउडर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, आप लोग डाल सकते हैं। और इसी तरीके से चलाते हुए करीब मैं भून लूँगी 4-5 मिनट करीब। और ड्राई फ्रूट आप लोग को जो भी पसंद हो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दे। मैं सिर्फ इसमें ऐड करूँगी बादाम। तो बादाम मैंने लिया है, बादाम को मैंने दो टुकड़ों में मैंने इस तरीके से मैंने काट लिया है, अब मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहे तो बादाम को फ्राई करके भी डाल सकती हैं। और मैं देखिए, यहाँ पे फ्राई करके नहीं डाल रही हूँ, मैं बस ऐसे ही डाल दिया है मैंने। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। बस और थोड़ा सा भून लूँगी। जितने अच्छे से आप हलवा को भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें स्वाद आएगा। तो ये देखिए, बहुत स्मूथ, बहुत टेस्टी हलवा बनकर के तैयार है। गैस फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये प्लेट में निकाल लेने के बाद अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दूंगी। तो ये कुछ बादाम को मैं इस तरीके से काटने के बाद मैंने रख लिया था दो टुकड़ों में, उसके बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और आप लोग गर्मा गर्म ये हलवा इंजॉय करिए, बहुत ही स्वादिष्ट ये बना है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में बनाइए इस तरीके से हलवा, किसी भी बर्थ में ये हलवा बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट जो है ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।